अच्छा अब मुझे एक बात बताइए हाँ जी क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सरकार बोले कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं जो कि अभी उन्होंने ऑफर भी रखा है और अब आप आंदोलन से निकलें क्योंकि इस आंदोलन से बहुत नुकसान हो रहा है देश को नुकसान हो रहा है ये उनकी उनकी ये कहने का तरीका नहीं है नहीं नुकसान आंदोलन से नहीं हो रहा नुकसान सरकारों की पॉलिसी से हो रहा ये तो है कि आंदोलन खत्म हो और इस देश को जितना जल्दी बेच सके उसमें टाइम लग रहा है मतलब मैं समझा हाँ समझ लो हाँ, समझाइए मंडी को बेचने लग रहे हैं हाँ। की, है की आमदनी तो वापस, ले, 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 है जी? वापस ले, ले लिया वो तो कानून तो खत्म हो गया गांव की जमीन बेच रहे जो गांव समाज की बंजर जमीन थी जो गांव प्रधान किसी को घर बनाने के लिए दे देते सब जमीन इकट्ठी कर लग रहे जो देश के संस्थाएं बेचे जा रहे जो बड़ी बड़ी कंपनियां आकर उसको अलाटमेंट कर फटाफट बड़ी बड़ी कंपनियों का ये तो इसलिए चाह रहे आप जो बयान दे रहे हैं हाँ। ये इसमें आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ। अभी सिखों की जो सुप्रीम संस्था है श्री अकाल तख्त साहब उसके जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग इसे सिख वर्सेस भारत सरकार और सिख वर्सेस हिंदू बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कानून वापसी के फैसले से उनके मंसूबे नाकाम हो गए कानून वापस होने से बड़ी राष्ट्रीय विपदा टल गई क्या आप इस चीज को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देंगे जो उन्होंने कहा है और ये सरकार का हिस्सा नहीं है अकाल तख्त साहब के जो हैं जत्थेदार उन्होंने कहा है हमने कहा कि एमएसपी पे कौन बात करेगा कल पे कौन बात सर एमएसपी पे तो बात होगी आपने पॉइंट रख दिया अगर सबको बता दिया मैं आपसे इस आंदोलन के लिहाज से एक चीज पूछ रहा हूँ उस पर जवाब आपका मैं? क्या होगा नहीं नहीं हम तो कह रहे कि बात तो शुरू तो करवाओ हम तो कह रहे कि बातचीत तो शुरू करो उन्होंने तो ऑर्डर जारी कर दिया आपकी बात आपने रख दी तो मैं आपसे इस पे सवाल पूछ रहा हूं कि अकाल तक के जो अकाल तक साहब के जत्थेदार हैं उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का गलत इस्तेमाल होने वाला था ये तब की बात है जब उनका स्टेटमेंट आया तब उनको ये शायद पता नहीं था कि आप लोग कंटिन्यू करेंगे इस पर आपको लगता नहीं है कि इस आंदोलन का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है नहीं नहीं सरकार करवाना चाह रही और कोई नहीं करवाना चाहता सरकार सरकार तोड़फोड़ में विश्वास रखती है एक बात बताइए मुझे दो जो लाल किले पर हुआ फिर हाँ। उसके बाद वो जो एक किसान के साथ हुआ बल्कि वो पे जो मजदूर था पे आ जाते हैं। नहीं नहीं वो तो आप कई बार बता चुके हैं, मैं दोनों का हाँ। दे रहा हूं। लाल किले पर जो हुआ और फिर उसके बाद जो मजदूर के साथ हुआ जो उसको मार दिया गया हाँ। वहां पर आपने खेद व्यक्त किया आपने कहा गलत है आपकी अकाउंटेबिलिटी उस पर क्या थी फिर बताइए मुझे आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं कौन से जो मजदूर के हाथ काट दिए पैर काट दिए उसको वहां पर रख दिया चला गया जिसने करा वहां तो गया ना देखिए दे। मैं अच्छा? आपसे क्या पूछ रहा हूं वहां पे कोर्ट के अंदर एक मिनट हो गया ना वो हो गया तो जिस और आप आप जो हैं एक बहुत बड़े यहां पर उस आंदोलन का चेहरा हैं लाल किले पे हो गया ना सर वो होने के बाद आपने कहा कि जो हुआ हमें उसके लिए खेद है नहीं होना चाहिए था गलत है मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ वो हो तो गया ना ऐसे अगर साहब के क्यों हुआ क्यों हुआ बताइए बताओ आप बताओ, आंदोलन आप आप से निकला, आप पर बताओ पर है? कोई चैनल है जो रूट हमको दिया गया जो दिल्ली पुलिस ने रूट हमको दिया उस रूट पे पक्की बैरिगेटिंग करी गई लिखित में रूट दिया पक्की बैरिगेटिंग करी गई और दिल्ली जाने के रास्ते खोल ले गए सरकार लेके गई लाल किले पे

और किसको एक आदमी को इसलिए जला दिया जाता है उसको बोला तुम आंदोलन का ना, हिस्सा ना, ना। बनो और फिर जला दिया गया वो क्या था वो खुद अपने आप वहां से पेट्रोल लेकर आया और खुद उसका डाल के, गर, के जल गया उसके घर में झगड़ा था वो खुद जला उसके सारे गवाह गवा आप तथ्यों की जानकारी करो पढ़े पढ़ाए ना एक मिनट सर 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 एक मिनट एक मिनट तथ्यों की जानकारी है आप बोलते हैं लाल किले के लिए सरकार जिम्मेदार है उस मजदूर को सरकार जिम्मेदार है आप हर चीज सरकार पे बोल रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या है वो मजदूर खुद वहां से तेल लिया पेट्रोल आपने बोला कि मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके हाथ पांव कट गए जिसके हाथ पैर काटे किसी आदमी ने वो करा वहां वो घटना होती रही एक चिड़िया भी वहां पर है तो एलआईयू को इंटेलिजेंस को पता है उसकी वीडियो बनती रही वहां पे थी नहीं पुलिस एक मिनट सर एक वहां पे थी एक नहीं मिनिट, एक मिनट एक मिनट उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली चार घंटे में वो जेल गया जिसने ये काम करा आंदोलन आपका

वे यहीं रहे 24 घंटे साथ रहते हैं वहां पे भी मौजूद थे उनको घटना करवाई गई आपकी सब में जिम्मेदारी क्या है हमारी जिम्मेदारी है कोई गलत काम करेगा उसके लिए देश में कानून है कानून अपना काम करा किसी ने गलत काम करा किसी ने कतल करा उसकी तीन सौ तो कानून जिम्मेदार आपकी जिम्मेदारी क्या है नहीं? आप आंदोलन कर रहे हैं आपकी जिम्मेदारी क्या है ये कहा कि किसी ने कोई घटना कर दी यहां पे आप यहीं पीछे जाकर कर दी कोई घटना तो आपकी थोड़ा सारी जिम्मेदारी है जिसने घटना करी वो भुगतान या चौबीस घंटे आप पहरे पर हो गए नहीं तो मुझे एक बात बताइए पहरे आपकी जिम्मेदारी है 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 कि कोई घटना कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है तो... हमारी कुछ नहीं हम घंटे पहरा थोड़ा देंगे और उसका कोई किसी का डला भी मारता है तो हमने बता रखा है कोई भी गलत काम करेगा किसी को डला पत्थर मारेगा उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है वो अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम छह बजे सिर्फ टीवी 9 नाइन भारतवर्ष पर